सुप्रभात। कक्षा 9वीं पाठ 13 चेतित बुक से हम पढ़ेंगे आज ग्राम श्री में आगे की काव्य पाठ कविता और क्वेश्चन आंसर। अब देखेंगे हम काव्य पाठ में क्या है कविता का संदेश। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लग गई अमृत की डाली, झर रहे धाक की पलके दर हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में जर मेरी धूली, फूले आड़ू नींबू दाड़े आलू गोभी बैगन मूली। संदर्भ पहले की तरह ही रहेगा, जैसे पूर्व में बताया था कि इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है और ये ग्राम श्री पाठ से ली गई काव्य की पंक्तियां है ना। फिर प्रसंग में ये बताया है कि कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया। प्रसंग क्या रहेगा? कवि ने प्रसंग भी वही रहेगा जो बसंत ऋतु का वर्णन किया है मनमोहक, कि उस समय पेड़ों में लग गए हैं थोड़े फूल फल। बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। तो भावार्थ है प्रस्तुत पंक्तियां कवित्रा न सुनने पर देगा। मैंने बताया रचित कविता ग्राम श्री से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बसंत ऋतु का मनमोहक वर्णन कर रहे हैं। आप बता रहे हैं यहाँ से कि स्वर्ण और रजत अर्थात सुनहरी और चांदनी रंग के मंजरियों से आम के पेड़ की जो डालियां हैं वो लग गई हैं। आपने देखा होगा आम के पेड़ में मंजरियां होती बोराए क्या बोलते हैं उसको, है ना, बोरे। फिर पतझड़ के कारण पीपल और दूसरे पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं, यानी बसंत के मौसम में उसके बाद आता है बसंत मौसम में पतझड़। फिर कोयल मतवाली हो चुकी है और मध्य ध्वनि का सबको रसपान करा रही है। कटहल की महक से वह होने लगी है और जामुन भी पेड़ों पर लग गई है। वनों में झरबेरी का अस्तित्व आ गया है। हरे भरे खेतों में अनेक फल सब्जियां उगाई है, आड़ू नींबू आलू दाड़े मूली गोभी बैगन आदि। जैसे अभी इस मौसम में चल रहा आलू गोभी बैगन खूब आ रहा है, नींबू आ रहा है, उसी का ही वर्णन किया गया कि बसंत ऋतु में क्या क्या हो रहा है। फिर है पीले 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 मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेल, अवली से तरु की डाली जड़ी, लहले पालक मैं धनिया लौकी हो सेम फली, पहली मकवरी टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। इसमें भी संदर्भ पूर्व बताएगा और फिर हम पढ़ेंगे व्याख्या की सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी हुई पंक्तियों का ग्राम श्री से ली हुई संदर्भ में है। और इसमें अमरूद पके और मीठे फलों का वर्णन किया गया है कि सुंदर दृश्य दिख रहा है, उनको संकेत कर रहे हैं कि मीठे फल अब पीले हो गए हैं और उन पर लाल चित्तियां निशान पड़ गई। जैसे अभी मीठी खूब भी वगैरह जिसको अमरूद बोलते हैं ना, बेर वगैरह सभी आने लगे, आंवला भी आ गया है, ये आकर सब छोटे छोटे फल से डाल झूल रही हैं। अभी आपने देखा होगा पेड़ों में ये सब लगा हुआ है। और पालक भी अभी खूब आ रही है, लौकी और सेम भी फल कर आस पर फैल गई, मखमली रूपी टमाटर भी पक्कर लाल हो गए, छोटे छोटे नाजुक पौधे हरी हरी मिर्च भी लग गई है जिससे मिर्च का भंडार लग गया, ऐसा दिख रहा मानो पूरी पृथ्वी में बढ़िया लहलहा के फसल फल फूल रही है। फिर है ही बालू के सांपों से अंकित, ये बताया जैसे चित्र में कि गंगा की सात रंग बताए नहीं, ये पूरे सात रंग दिख रहे होंगे किरणों से, पड़ रहे हरा पीला लाल सफेद नीला आसमान सब दिख रहा है इसमें। सत गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती, सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुर खा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। फिर इसमें बताया है संदर्भ वही पूर्ववत रहेगा कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ली हुई पंक्तियां प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। इसमें क्या है का
वर्णन है कि प्राकृतिक सौंदर्य में क्या चित्रण करा है। गंगा किनारे जो विभिन्न रंगों में सफेद रेत का भंडार है, उस रेत के टेढ़े मेढ़े दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बालू रूपी सांप पड़ा हुआ है, और गंगा के तट पर जो घास की हरियाली बिछी हुई है बहुत सुंदर लगे। साथ में तरबूजों की खेती भी तट का दृश्य बेहद सुंदर बना रही, आकर्षक लग रहा है। बगुले तट पर शिकार कर रहे हैं और अपने पंजों से कलंगी को ऐसे सवारते ठीक करते हैं मानो वे कलंगी कर रहे हैं। जल में चक्रवाक पक्षी भी तैरते हुए नजर आ रहे हैं, मगरोटी पक्षी भी है वह आराम से सोए हुए और विश्राम कर रहे हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। उपमा अलंकार है। हंसमुख हरियाली के मातब सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधेरी में निशिकी तारक सपनों में से खोए। मरकर डिब्बे साथ मिला ग्राम जिस पर नीलम नवा चादर, निरूपण हिमांत में स्निग्ध शांत निशोभा से हरता जनमन। प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पद के द्वारा लिखी हुई ग्राम से ली गई है। वही रहेगा प्रसंग में है प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदर चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि इस प्रसंग में क्या होता है, जब सर्दी के मौसम में हिम अर्थात ठंड का आगमन धरती पर होता है, जैसे अभी ठंड हमारे क्षेत्रों में पड़ रही है धरती पर होता है, तो लोग आलसी से बनकर सुख से सोए रहते हैं, देर से उठते हैं। सर्दी की रातों में ओस पड़ने की वजह सब कुछ भीगा भीगा सा और ठंडक सा महसूस हो रहा है। तारों को देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि सपनों में दुनिया खोए हुए है, और आकर्षक मनमोहन वातावरण में पूरा गांव मरता है, और आकाश से अचानक हो रही नीला आकाश और पंडा नामक रत्न जैसा प्रतीत हो रहा है। शरद ऋतु के अंतिम क्षणों में गांव के में मासूम वातावरण में अनुपम शांति अनुभव हो रही शोभा युक्त वातावरण जिसे देखकर एक एहसास करके गांव के सारे लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं और उनका मन खिलखिला कर हंस रहा है। अब है प्रश्नों के उत्तर कि कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा कि उसकी शोभा अनुपम है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई, इसलिए धरती को प्रसन्न कर रहा है और प्रारंभिक प्राकृतिक सौंदर्य सबके मन को छूता है। कविता में किस मौसम की सौंदर्य का वर्णन, कविता में बसंत ऋतु का सौंदर्य का वर्णन, सरसों के पीले फूल हरियाली छाई हुई है, और गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। मरकट पन्ना नामक रत्न को कहते जिसका रंग हरा होता है और वह डिब्बे से सब कुछ मार साफ कर कर दे साफ साफ दिखता है। मरकट के हरे रंग की तुलना गांव से गांव की हरियाली से की गई है और वातावरण मरकट के खुले डिब्बे के समान हरा भरा खुला सा लग रहा है, इसलिए गांव को मरकट का डिब्बा मरकट डिब्बे सा खुला कहा गया। फिर है आधार और सनई के खेत सर कवि को कैसे दिखाई दे रहे हैं। आधार और सनई के खेत कवि को सोने की किनकड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर है भाव स्पष्ट करिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेत। तो प्रस्तुत पंक्तियों गंगा नदी के तट की जमीन वाली की सतरंगी कहा गया, उसमें क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही तो वो सतरंगी रेत दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं सूरज की किरणों के प्रवाह से चमकने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे सांप चलने जैसे समान प्रतीत हो रहा है। हंसमुख हरियाली है मातब सुख से अलसाए से सोए, हरियाली का वातावरण छाया हुआ है ये वर्णन है इस पंक्ति में, और सूरज की प्रकाश जगमगाती हंसमुख सा प्रतीत हो रहा, सर्दी में धूप में खिली खिली है धूप, सर्दी की धूप, और ऐसा लग रहा जैसे दोनों अलसाए होकर सोए हुए। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है जिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा चल। हरे हरे में इधर पुनरुक्ति अलंकार है, बार बार इसको शब्द को लिया गया है। हिल हरे अनुप्रास अलंकार है, तिनको के तन पर मानवीकरण अलंकार है क्योंकि वह तिनको किसी का वर्णन है, तो उसको तिनको के तन पर बताया तो उसका क्या आएगा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इस पंक्ति
कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर है, इस कविता में उत्तरी भाग के भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत भारत के खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है जहाँ खेती बहुत होती है। अब है भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कैसी लगी कविता और इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत कविता में भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का चित्रण लुभावना और सुंदर दर्शाया गया। कविता के प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल मधुर तथा प्रभावी है। अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य में और भी वृद्धि हुई है। बच्चों, आपको इस कविता का वर्णन पूरा लिखना है और सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। परीक्षा पास में है।